तू हिंदू, मैं मुस्लिम, तू छोटी जात का है, मैं बड़ी जात का हूं, ब्राह्मण शूद्र, छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात, ये सब कब तक करते रहोगे आप लोग? आपको पता है जाति का निर्धारण सिर्फ कर्म के आधार पे होता था। जो जैसा कर्म करता था उसकी वैसी जाति होती थी। जो लोग शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण बन गए। उसके बाद जो लोग मतलब किसी की रक्षा करते थे ये इनको क्षत्रिय बोलते थे, ये ब्राह्मण से नीचे आते थे। उसके बाद में जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको वैश्य बोला जाता था। और जो लोग किसी के भी यहाँ पे सेवा करते हैं, जैसे कि गृहिणियाँ घर का काम करती हैं, उनको शूद्र बोलते थे। एक ही परिवार के अंदर चार चार जाति के लोग रहते थे। लेकिन जैसे जैसे सबने देखा कि ब्राह्मण की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो उन्होंने उस टाइम को बदल के उसके बाद उन्होंने वंश के आधार पे जातियां कर दी, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट के लिए। आपको दिखता नहीं है आज ना काम कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन पंडित का बेटा पंडित ही कहलाएगा, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा। धर्म सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, और आपके ये ऊंच नीच करने के चक्कर में ना जो लोग वाल्मीकि होते हैं, रोड साफ करने आते हैं, नालियां साफ करने आते हैं, वो आपके घरों की गंदगियां निकाल रहे हैं, आपका गंद साफ कर रहे हैं वो बेचारे। उनसे बड़ा तो होना भी नहीं चाहिए कोई। लेकिन अगर वो किसी से पानी मांगते हैं ना, तो लोग इतने कोसों दूर से उनको पानी देंगे, मतलब उनके हाथ में वाटर की बोतल देंगे भी नहीं। मैं तो ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, जो लोग ये ज्यादा मतलब छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात करते फिरते हैं ना, अगर वो मर जाए तो उनकी मिट्टी लगाने के लिए जो भी सारा मटेरियल आता है उनको उठा के पूछना चाहिए कि जरा ये बताओ, ये सारा मटेरियल हम नीची जात वाले की दुकान से लेके आए या ऊंची जात वाले की दुकान से? और अग्नि देने के लिए भी ना उनसे पूछना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना मरने से पहले ही पूछ लेना चाहिए कि अब आप मरने वाले हो, आपके जो अंतिम संस्कार होगा वो सारा काम काज और जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो हम ऊंची जात वाले के यहाँ से लेके आए या नीची जात वाले के यहाँ से लेके आए, पंडित के यहाँ से लेके आए या शूद्र के यहाँ से लेके आए आए। समझ ही नहीं आता आप लोग किस किस सोसाइटी में जी रहे हो, कैसी मेंटेलिटी बना ली है आपने अपनी, आपको समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, वो किसी के अंदर बची नहीं है। मैं तो अपने मतलब आप लोगों को बस यही बोलूंगी यार, अपने बच्चों को ये सारी चीजें मत सिखाइए। कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं होता। और जिस दिन आपने ये सब सिखा दिया ना, सच में लगेगा कि आप पढ़े लिखे हो, वरना आप ये फालतू के पुराने चोचलों में पड़े रहिए। बच्चे जब ये पूछते हैं ना आप किस जाति से हो, मुझे सच में इतना अजीब लगता है ऐसे बच्चों को देख के। वो कहीं से नहीं सीख के आए हैं, अपनी फैमिली में ही ये सारा माहौल देखते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े बने फिर रहे हैं, मौलवी, पंडित, ये सब। आपको पता है ये दुकानें चला रहे हैं और इनकी दुकानें ना आपके चक्कर में चल रही हैं। किसी पंडित मौलवी ने बोला हम ना एक ताबीज देते हैं, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान है क्या वो आपकी परेशानी खत्म कर देगा? सही पूछा जाए तो आपको खुद नहीं पता आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि अगर आपको पता होगा ना आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सलूशन आप खुद ही निकाल लोगे। और उनको आप 100, 200, 500 रुपये देकर के आइए और अपनी परेशानी आपको लगता है। आपको मैं सच बता रही हूँ, एक्चुअली होता क्या है, किसी मौलवी ने आपको कोई ताबीज दिया तो वो ताबीज वर्क नहीं कर रहा है, वर्क कर रही है आपकी माइंड पावर। क्योंकि आपने ये सोचा कि हम कहीं जाएंगे और अगर वो बहुत मतलब वहां से हमें कुछ मिलेगा ना, तो वो एक्चुअल वर्क करेगा, वो सिर्फ आपका बिलीव है। मेरे ऊपर तो कोई चीज वर्क नहीं करती, मैं मानती नहीं हूं। और यही बिलीव अगर आप सच में आपको कोई प्रॉब्लम है ना,
तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कोई प्रॉब्लम है और आप शांति से बैठ करके ना उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आपकी वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम आप खुद शॉर्ट आउट कर सकते हो, आपको उसके लिए किसी मौलवी के पास, किसी पंडित के पास, किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, फ्री में कोई कुछ देता है, कुछ करता है, उसने छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया, आपने मान लिया इस टुकड़े से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर यार यही हो जाए तो फिर लोग क्यों कमाने जाएं? आप एक काम कीजिए, किसी पंडित मौलवी तांत्रिक के पास जाइए, उसको बोलिए मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। अगर ऐसा हो जाए ना मैं मान जाऊँगी, लेकिन आप लोग उनकी दुकानें चला रहे हो, वो खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते हैं? आपसे क्यों लेते हैं 10, 20, 50, 500 रुपए? किसी पंडित ने आपको बोला आप बहुत परेशान हो, आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, आप एक हवन करवा दीजिए, फ्री में आएगा पंडित हवन करने? आप बताइए फ्री में आएगा क्या? वो आपसे नोट लेके जाएगा, तब जाकर के 4-5 श्लोक बोल के चला जाएगा। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? 21वीं सदी चल रही है, लोग पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए आप लोगों को, आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, कोई छोटी जात बड़ी जात नहीं होती है, इंसानियत सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग आपको लड़ा रहे हैं, आप लड़ रहे हो और वो लोग बैठ के मजे ले रहे हैं, आप लड़ते रहिए मरते रहिए। जो लोग आपको हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं उनके बच्चे मरते हैं हिंदू मुस्लिम दंगे में? मरता कौन है? जो लड़ते हैं, जो उनकी बातों में आते हैं, मरते आप हो। उनको पता है आपको ईजली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसलिए वो बना रहे हैं। और जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उस दिन उनके ये फालतू के जो भी चोचले हैं ना ये सब बंद हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम दंगे तभी तक चल रहे हैं जब तक आप उनकी बातों में आ रहे हो, क्योंकि आप जब आपस में लड़ोगे तो आप किसी तीसरे पे ब्लेम कर ही नहीं पाओगे, और जब आप आपस में लड़ना बंद कर दोगे ना तब आप सामने वाले से सवाल करोगे और सामने वाला सवाल के जवाब आपके दे ही नहीं पाएगा। इसलिए फ्रेंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, शिक्षित कीजिए। जब वो शिक्षित होंगे तो वो किसी की फालतू के बहकावे में नहीं आएंगे। शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंचाइए, वो जो करना चाहते हैं वो कराइए, लेकिन इन सारी चीज़ों से, इतने सारे ढपोसले चोचलों से उनको दूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।